जय हिंद साथियों, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान, SSCGD स्टूडेंट्स की आवाज़। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो है मैं SSCGD स्टूडेंट्स से मिला और बहुत से स्टूडेंट्स से जो है मैंने बात करी। जो एक बात जो मेरे सामने आई उससे मुझे जो है बड़ा दुख पहुंचा भाई, और मैं उसी बात को जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से ये कहा कि भैया जो है अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है और मन करता है कि यार मैं सुसाइड कर लूँ। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाई, जो सबसे पहले जो आपका ये जो ख्याल है, जो विचार है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि देखो, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है यार, अभी तो पूरी लाइफ बाकी है। और मैं समझता हूँ यू आर लाइन, आप कायर नहीं हो, यू आर नॉट कायर, ठीक है। आप गिद्दड़ नहीं हो जो दुम दड़ा के वापस पीछे भाग जाओ। अरे, ज़िंदगी से लड़ना सीखो यार, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमेशा ज़िंदगी के अंदर आती रहेंगी। अबे टकरा जाओ यार, ठीक है, विल बी बैक। अरे कुछ नहीं हुआ, जॉब नहीं मिली, क्या हो गया? कम से कम आप में वो टैलेंट तो है, आप में वो काबिलियत तो है, उस टैलेंट को पहचानो तो सही मेरे भाई। अगर आप ऑल टेस्ट अगर क्वालिफाई कर सकते हो SSC में, तो मैं समझता हूँ आप टैलेंटेड हो, यू आर टैलेंटेड। और आप जो है 30,000 से 40,000 रुपये कहीं भी कमा लोगे मेरे भाई, इसलिए निराश मत हो मेरे भाई। और किसी भाई को ये लगता है कि भाई जो है हमारे को जॉब नहीं मिल रही, हम क्या करें क्या ना करें, तो भाई अपना भाई समझ के जो है मुझे कॉल कर लेना, कमेंट कर देना। दिल्ली में कहीं भी जो है आपको अगर जॉब चाहिए, तो मैं 20,000 से 25,000 रुपए की जॉब आप जब कहोगे मैं आपकी लगवा दूंगा मेरे भाई। क्योंकि यार बड़ा दुख पहुंचता है जब ये न्यूज मिलती है, जब कि भाई जो है एक SSC स्टूडेंट ने जो है सुसाइड कर लिया। ऐसा मत करो मेरे भाई, सब मेरे भाई हो, इसलिए मैं जो है आपको समझा रहा हूँ। अगर मेरी बात अगर आप तक पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, ये सफल हुआ। और अपना भाई समझ के जो है मुझे एक बार जो कॉल ज़रूर कर लेना, ठीक है। और देखो, जो लोग जो है ओवरएज हो गए, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई, सबसे पहले तो जो है आप अपने टैलेंट को पहचानो, ठीक है। आप में क्या टैलेंट है, आप किस क्षेत्र में जो है आप बेस्ट कर सकते हो, किस क्षेत्र में जो है आप अच्छा कर सकते हो, और उसी क्षेत्र को आप चुनो। क्योंकि देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट जॉब अगर आप पा भी लोगे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आप ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। सिर्फ अपनी फैमिली को जो है एक अच्छे तरीके से जो है आप मैनेजमेंट कर सकते हो, खिला सकते हो, पिला सकते हो, रह सकते हो, लेकिन आपके जो सपने हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए कुछ ऐसा करो कि जिससे जो है आप अनलिमिटेड जो है पैसा कमाओगे। रही बात देशभक्ति की, कुछ भाई कहते हैं कि हम जो है देशभक्ति करना चाहते थे वहाँ पे जाके, तो भाई अगर आपके अंदर जुनून है, तो मैं समझता हूँ कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का भला हो, लोगों को जो है उससे फ़ायदा मिले। वो भी देखो, अपने आप में एक देशभक्ति है, और वो देशभक्ति आप एक गांव में, शहर में रह के भी जो है कर सकते हो। तो आगे से जो है आप कभी भी जो है ऐसा विचार अपने मन में ना लाएं कि जो है अब सब कुछ जो है ख़त्म हो गया, मेरे सामने तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो जो है कहीं का नहीं रहा, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मेरे घर वालों ने जो है मेरे पे इतना पैसा लगा दिया। तो ऐसा विचार ना लाओ यार, क्योंकि अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, अभी तो जो है पूरी ज़िंदगी बाकी है, और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और देखो, मर्द वही है जो प्रॉब्लम से टकराता है, ठीक है। प्रॉब्लम से डर के नहीं भागना, प्रॉब्लम से टकराना है। और अपने यार शेर हैं शेर, ठीक है, गिद्दड़ नहीं है जो भाग जाए ऐसे ही। मैदान छोड़ के भागने वालों में से अपन नहीं है, अपन तो डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। और देखो, अभी अपनी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, आखिरी दम तक जो है अपन लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक हो सकता है अपन लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को यही सजेशन देना चाहूँगा कि भाई जो है ऐसे अगर विचार अगर आपके दिमाग में हैं, ऐसे ख्याल अगर आपके दिमाग में आते हैं,
तो उनको जो है आप बाहर निकालो और जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की सोचो, क्योंकि आप में इतना टैलेंट है जो आप अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत कुछ आगे बहुत बढ़िया कर सकते हो, बहुत आगे तक जो है आप जा सकते हो। ठीक है भाई, और किसी भी भाई को जो है मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना, कमेंट कर लेना, आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वैसे मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाना सिर्फ यही था कि भाई कोई भी जो भाई है, देखो फालतू टेंशन मत ले, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उस चीज़ को, या तो आप आगे की तैयारी करो, ओवरेज हो गए तो खुद का कुछ बिजनेस करो या जॉब कर लो। ठीक है, अगर जॉब करने में दिक्कत आ रही है या जॉब नहीं मिल रही तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपने जो है इतना प्यार दिया, इस वीडियो को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना भाई के नेहरा फ्रॉम राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं।